कैसे हो दोस्तों। आज हम लोगों का राइड है झारग्राम बेलपहाड़ी, तो इसके लिए हम लोग NH6 पकड़ के जाएंगे। खड़गपुर को क्रॉस करने के बाद एक फॉरेस्ट आएगा, उस फॉरेस्ट का नाम है लोधासुली फॉरेस्ट। तो उसके वहाँ से राइड को जाना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ से सामने है लोधासुली फॉरेस्ट। अभी हम लोग जा रहे हैं झारग्राम राज पैलेस। रास्ता काफी अच्छा है और जगह जगह पे फॉरेस्ट भी है। लोधासुली फॉरेस्ट के अंदर ही पड़ेगा ये फॉरेस्ट। डिनरी भी बहुत अच्छा है। अभी हम लोग आ चुके हैं झारग्राम राज पैलेस के लिए मेन एंट्रेंस के। तो आप लोगों को यहाँ पे आना हो तो पहले से बुक करके आना पड़ेगा। हमने बुक नहीं किया था इसलिए अंदर बुक कर दिया, बाहर से घूम के आना पड़ा। यहाँ पे आप लोग नाइट स्टे कर सकते हो, इसके लिए पहले से बुकिंग करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जाएंगे चिल्की गॉट। यहाँ पे एक मंदिर है और एक पैलेस भी है। तो मंदिर जो है उसका नाम है कनक दुर्गा टेम्पल। रास्ते में एक छोटा सा स्ट्रीम मिल गया हम लोगों को, क्योंकि ऊपर से जो व्यू था पानी से जाने का है बहुत ही अच्छा था। कहाँ से यहाँ पे उतर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग आ चुके हैं कनक दुर्गा टेम्पल पे। यहाँ पे गाड़ी पार्किंग का जगह है, बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे। और यहाँ पे एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बना हुआ है। यहाँ पे ऐसे ऐसे पेड़ आपको देखने को मिलेगा जो हर और कोई भी जगह पे नहीं मिलेगा। यह पुराना वाला मंदिर और यह है नया मंदिर, पासी में है। अंदर छोटा सा गार्डन भी है, बच्चों के लिए एक पार्क तरह का भी है। तो अभी हम लोग आ गए हैं राज पैलेस पे। राज पैलेस इसका बनावट तो फोर्ट टाइप का है। यहाँ पे सरकारी दफ्तर हो चुका है, अभी ऊपर सब लोग ही रहते हैं। लोग अभी जा रहे हैं बेल पहाड़ी घाघरा वाटरफॉल देखने के लिए। कलकत्ता से इतना सामने एक वाटरफॉल है, ये बहुत लोगों को पता भी नहीं है। एक दिन के आप लोग घूम के आ सकते हो। यहाँ पे घर जो था सब मिट्टी का था, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा था। ये रहा घाघरा नदी, ये रहा वाटरफॉल। यहाँ पे पॉटल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे उतरना रिस्की है। काफी बहुत तेज है। हम लोग उतर के रहे थे, एक बत्तख की तरह है। यहाँ पे भी पॉटल है, बहुत ही संभाल के हम लोग उतरे थे। यहाँ पे पानी पे उतर के इतना मजा आया क्या बोले अपने लोगों को। सबसे ज्यादा मजे के पास यहीं पे था, इसके आगे हम लोग जा नहीं पाए, बहुत तेज बहाव था यहाँ पे।
यहाँ पे सीनरी बहुत अच्छा रहता है। आज के लिए इतना ही, बने रहिए।